नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा एक अहम मसला है, लिहाजा दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस यूनिट पूरी मुस्तैदी से जुटी रहती है ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। एयरपोर्ट पुलिस द्वारा कैसे दिया जा रहा है अपने कार्य को अंजाम, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लिहाजा दिल्ली पुलिस को जिलों और विशेष इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि कानून व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारी को प्रभावशाली तरीके से अंजाम दिया जा सके। इन्हीं में से एक है दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस यूनिट, जो दिल्ली एयरपोर्ट और अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस हवाई अड्डे पर आने जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करती है। वीवीआईपी की सुरक्षित आवाजाही भी एयरपोर्ट पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ये बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे बहुत हाई फुटफॉल रहता है, वीवीआईपी वीआईपी मूवमेंट्स रहता है, बहुत बार हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं नेशनल कैपिटल का एयरपोर्ट होने की वजह से। साथ में काफ़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस भी हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा पैसेंजर लोड और कार्गो लोड जब ट्रैफिक हैंडल करता है तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एयरपोर्ट पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। हमारी एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं जो राउंड द क्लॉक बहुत ही एफिशिएंट फंक्शनिंग के साथ, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ और हाईली टेक्निकली एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ किसी भी कॉन्टिनजेंसी को, इमरजेंसी को डील करने के लिए किसी भी सिचुएशन में हमेशा ट्रेंड है और अलर्ट रहती है। एयरपोर्ट पुलिस यूनिट का कार्य बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण है। हवाई अड्डे पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने की वजह से ये चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एयरपोर्ट पुलिस का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करने के साथ साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के अलावा पुलिस टर्मिनल बिल्डिंग के बाहरी घेरे को भी सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा चक्र की मजबूती के लिए एयरपोर्ट पर आतंकवाद विरोधी दस्ते की भी तैनाती की गई है। साथ ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए बम निरोधक दस्ते और एंटी सेबोटाज टीम को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट पुलिस द्वारा अन्य सुरक्षा इकाई के साथ मिलकर नियमित गश्त, संयुक्त जांच और मॉक ड्रिल की जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न रह जाए। साथ ही एयरपोर्ट पुलिस अन्य सुरक्षा इकाइयों के अधिकारियों के साथ हर महीने नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित करती है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान, ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग की जा सके। जो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना, रोबस्ट एंटी टेरर अलर्ट। उसके लिए ज़रूरी है कि एक एंटी टेरर स्क्वाड रहता है जो प्रॉपरली ट्रेंड है और काफ़ी उसको मॉडर्न इक्विपमेंट्स और वेपनरी के साथ इक्विप करा जाता है, जिसको चलाना उसको आना चाहिए, जिसको हैंडल करना आना चाहिए और किसी भी कॉन्टिनजेंसी में बिना रात दिन सोए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंट्स की धरपकड़ इसका सबसे बड़ा परिणाम है। अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव करते हुए पुलिस ने पीड़ित यात्रियों की बजाय एजेंट्स पर शिकंजा कसा है ताकि मानव तस्करी और अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाया जा सके। इसी का परिणाम है कि पिछले 7 महीनों में 126 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इन एजेंट्स को देश भर से, विशेष रूप से पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस द्वारा की गई छापेमारी से कई रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो विभिन्न तौर तरीके इस्तेमाल कर मानव तस्करी और अवैध आव्रजन के धंधे में लिप्त थे। मसलन इसमें पासपोर्ट पर फर्जी प्रस्थान आगमन स्टैंप लगाना, विदेश जाने के लिए फर्जी वीजा, जाली पासपोर्ट, फेक वर्क परमिट और फर्जी सीमेन बुक तैयार करना शामिल है। इसी के साथ साथ अवैध आव्रजन के लिए विदेशी नागरिकों, खासतौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार कर उनके भारतीय पासपोर्ट बनाने वाले सिंडिकेट और एजेंट्स का भी पुलिस ने खुलासा किया है। इन सब से बढ़कर डंकी रूट के जरिए अन्य देशों में अवैध प्रवेश दिलाने वाले सिंडिकेट को भी ध्वस्त किया गया है, जो एयरपोर्ट पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। इस साल आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक बहुत ही हैवी क्रैकडाउन लॉन्च करा है इन एजेंट्स के खिलाफ। अब जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट हुआ है, रेदर देन टारगेटिंग द पैसेंजर्स, नाउ टू होल्ड द एजेंट्स अकाउंटेबल। हमने काफ़ी वीज़ा और पासपोर्ट स्कैम्स को बस्ट किया है, काफ़ी सिंडिकेट्स को डिसमेंटल करा है, और इस साल मतलब रिकॉर्ड नंबर ऑफ एजेंट्स जो फ्रॉडुलेंट एजेंट्स हैं जिनको हमने पकड़ा है, ऑलमोस्ट 125 के ऊपर हमने एजेंट्स की अरेस्ट इस साल दर्ज करी है, जिसमें काफ़ी पुराने केसेस में भी इन्वॉल्व थे और यहाँ के नए केसेस में भी। इसके अतिरिक्त 96 एजेंट्स के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं जो या तो विदेश भाग गए हैं या विदेश भाग सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष 22 घोषित अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसी क्रम में एयरपोर्ट पुलिस ने दलाली की गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी का नतीजा रहा है कि इस वर्ष हवाई अड्डा परिसर में 294 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 अलग अलग घटनाओं में बम की धमकी देने के लिए फर्जी कॉल करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा कैमरे हमारे एयरपोर्ट के विसिनिटी में इंस्टॉल्ड हैं, उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इंट्रूजन अलर्ट सिस्टम्स, ये सब हमारे यहाँ पे हैं। तो हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। हमें पूरा यकीन है कि इस इम्पॉर्टेंट प्लेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम जितने डेडिकेटेड हैं उतनी वफादारी से हम ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। मतलब बहुत साफ है कि एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस यूनिट पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एयरपोर्ट पुलिस द्वारा मानव तस्करी और अवैध आवर्जन रोकने के लिए की गई कार्रवाई और सुरक्षात्मक उपाय इसकी पुष्टि करने के लिए काफी हैं। साथ ही नागरिकों से भी अपील की जाती है कि सतर्क रहें और इस खतरे को जड़ से खत्म करने में पुलिस का सहयोग करें। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दे, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। चाइनीज मांझे की डोर ले जाती है दुर्घटना की ओर। चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा सघन अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों से इसकी बिक्री और इस्तेमाल ना करने की अपील की गई। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। We'll be right back.
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस ने हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय में उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने की शपथ ली। पुलिस उपायुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों और कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों को मिठाई भी वितरित की गई। इसके साथ साथ द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने भी अधिकारियों और कर्मियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान द्वारका जिले के निवासी RWA के सदस्य सहित अन्य अतिथिगण भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जिला पुलिस उपायुक्त जितेंद्र कुमार मीणा ने देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को गर्व से फहराया और आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मी जोश और उत्साह से ओतप्रोत नजर आए। इसके अलावा पूर्वी जिला पुलिस ने इंडिपेंडेंस कप 2024 का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर और पुलिस कॉलोनी न्यू अशोक नगर की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से बच्चों के लिए लेमन रेस, महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर और बैडमिंटन आदि खेलों का आयोजन किया गया। तिलक नगर पुलिस थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में वांटेड आरोपी ओमकार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हाल ही में प्रगति मैदान स्थित रेलवे के पार्सल यार्ड से एक पार्सल चोरी कर फरार हो गया था, जिसमें 15 लाख रुपए कीमत के 130 मोबाइल फोन्स रखे हुए थे। चोरी की इस वारदात की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए आरोपी की पहचान के साथ साथ मोबाइल फोन्स को भी ट्रैक कर रही थी। इसी बीच पुलिस को पार्सल यार्ड से चोरी हुए मोबाइल फोन्स के गुरु नानक देव कॉलोनी में होने की जानकारी हाथ लगी। ये सूचना मिलते ही सतर्क पुलिस टीम फौरन वहां पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन्स में से 49 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। एक ऑफिस के काउंटर से 12 लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हुए आरोपी साहिल को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़गंज पुलिस थाने में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ऑफिस का एक कर्मचारी काउंटर पर रखे 12 लाख रुपए कैश और ऑफिस की एक स्कूटी लेकर फरार हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन छानबीन करनी शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के नजदीक लगे CCTV कैमरे खंगाले और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होने का पता लगा लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम बिना समय गवाए अलीगढ़ पहुंची और सराय रहमान इलाके में दबिश देकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई रकम में से 11,69,000 रुपए और चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में शामिल आरोपी मनीष कुमार को अपने शिकंजे में लिया है। आरोपी की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसकी भरपाई करने के लिए ये अवैध शराब तस्करी के गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। जिला क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम कसने में जुटी पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि नजफगढ़ से ककरोला गांव में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की सप्लाई की जाने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने बिना वक्त गवाए ओल्ड ककरोला रोड पर नाकेबंदी की और भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 3,500 क्वार्टर बरामद किए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने इंद्रलोक इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की गुत्थी को महज कुछ घंटों में सुलझाया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुजम्मिल हसन और मोहम्मद इश्तखार नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंद्रलोक के चप्पल मार्केट में आरोपियों ने एक शख्स की गर्दन दबोचकर उसकी सोने की चेन और लॉकेट छीन ली और मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित से इस वारदात की शिकायत मिलने पर सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की टीम ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुट गई। आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे कई CCTV कैमरे खंगाले, साथ ही अपने गुप्तचरों को भी एक्टिव कर दिया। तेजी से की गई कार्रवाई रंग लाई और पुलिस के हाथ पुख्ता जानकारी लगी कि लूट के आरोपी शहजादाबाग इलाके में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित का छीना गया सामान बरामद कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में अंकित गोयल नाम के एक शख्स को दबोचा है। आरोपी पर सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 78 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज है। सेंधमारी से इकट्ठा किया आभूषणों को ये अपने दोस्तों के नाम से बैंकों में गिरवी रखकर लोन ले लिया करता था। आरोपी को घर में लगे तालों को तोड़कर वहां से गहने चुराने में महारत हासिल है। इसी तरीके से इसने अप्रैल के महीने में रात के समय विजय इनक्लेव के एक घर को अपना निशाना बनाया था। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की छानबीन में जुटी थी। इसी के तहत पुलिस को आरोपी के दादा देव हॉस्पिटल के नजदीक आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और आरोपी को अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बैंकों में गिरवी रखा गया गोल्ड भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने घोषित भगौड़े जितेंद्र भाटी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साल 2015 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुराड़ी इलाके में हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को दबोचकर जेल भेज दिया था। कोरोना महामारी के दौरान 2021 में जितेंद्र को पैरोल मिल गई थी, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद आरोपी ने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। पेशी पर न आने की वजह से अदालत ने भी इसे भगौड़ा करार दे रखा था। जेल से बेल मिलने पर फरार आरोपियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए उत्तरी जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साल 2015 में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी जितेंद्र भाटी गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जितेंद्र के ठिकाने पर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्य तस्कर अविनाश तिवारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब से भरे 50 कार्टन सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिले की पुलिस टीम पड़ोसी राज्य से अवैध शराब लेकर दिल्ली में सप्लाई करने वाले तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब सप्लाई के धंधे में शामिल एक आरोपी द्वारका सेक्टर 16 के नजदीक ककरोला गांव में कार के जरिए आने वाला है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। दक्षिण जिला पुलिस ने जेब तराशी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अरमान, मोहम्मद वाशिद, सोनू और इस्माइल नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भीड़भाड़ वाले बस स्टॉप पर भीड़ का हिस्सा बन बड़ी सफाई से लोगों की जेब से मोबाइल चुरा लिया करते थे। जेब तराशी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वारदात स्थल से ऑटो में बैठकर फरार हो जाते थे। चुराए गए मोबाइल फोन्स को आगे बेचकर आरोपी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। जिला क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी पुष्प विहार इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाकर 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 12 मोबाइल फोन और एक ऑटो भी बरामद किया गया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने चौहान बंगर इलाके में हुई एक शख्स की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी सोहेल और मेहरान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का पीड़ित शख्स के साथ पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जाफराबाद पुलिस थाने की टीम को शहादरा के चौहान बंगर इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गहनता से छानबीन करते हुए पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपियों की पहचान कर ली। योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को उस समय अपनी गिरफ्त में ले लिया जब वो दिल्ली के लोनी रोड से स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद की है। हत्या के इसी मामले में आगे कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को भागने के लिए स्कूटी मुहैया कराने वाले आरोपी साहिब को भी धर दबोचा। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुई लूटपाट के मामले में फरार चल रहे आरोपी बिजेंद्र को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के मकसद से लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस पर चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के 4 मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज है। इसी वर्ष जून के महीने में एक शख्स ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 संदिग्ध लोगों ने उससे और उसके 2 साथियों से मारपीट कर कैश और मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। इस
इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई। गहनता से की गई छानबीन के दौरान टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुई लूटपाट में शामिल एक आरोपी दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में मौजूद है। इस पर मुस्तैद पुलिस टीम फौरन निर्धारित स्थान पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक साइबर जालसाज धन सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को कॉल कर उनके रिश्तेदारों के बकाया पैसे उनके यूपीआई खातों में ट्रांसफर करने का लालच दिया करता था। जब लोग इसके झांसे में फंस जाते थे तो ये गलती से ज्यादा रुपए ट्रांसफर होने की बात कहकर उन्हें बरगलाता था। इसके बाद लोग वापस रकम ट्रांसफर करने के बाद जब अपना बैलेंस चेक करते थे तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता लगता था। इसी तरीके से आरोपी ने द्वारका में एक महिला को 60,000 रुपए की चपत लगाई थी। पीड़ित से शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी एक निजी बैंक में काम करता था, जहां लोन दिलाने के नाम पर उसने कई लोगों के बैंक खाते खोल रखे थे। उन्हीं खातों का इस्तेमाल आरोपी ठगी की रकम ऐंठने के लिए कर रहा था। आगे की छानबीन करते हुए पुलिस ने आरोपी के राजस्थान के दौसा स्थित ठिकाने का पता लगाया और गिरफ्तार कर लिया। शहादरा जिला पुलिस ने सीमापुरी इलाके में हुई एक शख्स की हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपी अजीम को गिरफ्तार किया है। पीड़ित शख्स और अजीम सीमापुरी इलाके में रहते थे और दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक रोज रात के समय इनकी मुलाकात सीमापुरी इलाके में हुई, जिसके दौरान दोनों में तकरार शुरू हुई, जिसके बाद अजीम ने पिस्टल निकालकर पीड़ित शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर सीमापुरी पुलिस स्टेशन की टीम ने गहनता से तहकीकात की और आरोपी की पहचान कर ली। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस आरोपी को नंद नगरी इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उनकी किसी बात पे कहा सुनी हुई, जिससे आपस के ऑल्टरकेशन के परिणाम स्वरूप एक्यूज ने अपने उसके पास एक कंट्री में आम पिस्टल थी, तो उससे उसने उस पर फायर किया और उससे उसकी डेथ हो गई। बाद में हमने कई जगह पे रेड करी और नागरू, धामपुर, शोहर, नगीना कई जगह पे रेड करी और बाद में हमने उसको अक्यूज को दिल्ली से ही रिलोकेट करके कल अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में हुई एक युवक की हत्या में शामिल नितिन शेखर और आकाश नाम के तीन आरोपियों को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक और आरोपी नितिन की कई वर्षों से दोस्ती थी, लेकिन आरोप प्लांट के कामकाज को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। इसी से खफा एक रोज मौका पाकर नितिन ने पीड़ित युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जान ले ली। उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ को इन तीनों आरोपियों के मजनू का टीला इलाके से होकर गुजर रहे होने की जानकारी अपने सूत्रों से मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अपनी बूढ़ी मां की हत्या करने के आरोप में मोनिका, उसके मंगेतर नवीन खत्री और इनके साथी योगेश को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नजफगढ़ इलाके में पीड़ित महिला एक फ्लैट में अकेली रहती थी। इसी प्रॉपर्टी पर उसकी बेटी और उसके मंगेतर की नजर थी। पीड़ित महिला को ठिकाने लगाकर आरोपियों ने फ्लैट हड़पने की साजिश रची, जिसमें योगेश ने भी इनका साथ दिया था। इसके बाद आरोपियों ने फ्लैट पर जाकर पीड़ित महिला को पीट पीट कर मार डाला और फरार हो गए। आरोपी मोनिका ने ही अगले दिन पुलिस को कॉल कर अपनी मां के अंदर से कमरे में बंद होने की जानकारी दी थी, ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और जांच पड़ताल के बाद मामले की सभी कड़ियों को जोड़ते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने लग्जरी कार चलाने वाले अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी अमित नागर और एक रिसीवर एटीएम जगत सिंह को गिरफ्तार किया है। हाल ही में स्पेशल स्टाफ की टीम को अपने खुफिया नेटवर्क की मदद से सूचना मिली थी कि लग्जरी कार चुराने वाले एक आरोपी सिरसपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की कारों के रिसीवर एटीएम जगत सिंह को भी मणिपुर के इम्फाल में दबिश देकर धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित 3 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। हिट एंड रन के मामले में पुलिस की मदद करने वाले बहादुर शख्स ऋतिक वत्स को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने 10,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पश्चिम विहार इलाके में एक शख्स को कुचलकर ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो रहा था। घटना स्थल पर मौजूद ऋतिक की नजर जब ट्रक पर पड़ी तो उसने साहस का परिचय देते हुए उस ट्रक का लंबी दूरी तक पीछा किया और आरोपी ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसी साहसिक काम और दूसरों की मदद करने के जज्बे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऋतिक वत्स को पब्लिक हीरो के रूप में सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।